हमार घर दुआर नहीं बने टूट पे तो हैं हमारे साहब हम सब कहाँ जाए छे चीज तक पट्टा हमार सब सब मछली बावल में ले लेत गए ने सब साहब। ये सरकारी आवास की स्थिति देखिए बाप रे, ये दीवार फट गया है दीवार। लाल हम सब ही रोई के मर जाते हैं, खाए बिना मर जाते हैं बेटा। हाँ बुलडेजर मशीन गाड़ी मोटर सब आई है खुदा लेते हैं डांड में। युद्ध ना भैया रहे देते हैं मारत हैं खेदत हैं गाते हैं हट जाए ना कुछ बनुई। हाँ चुगा थी साहब पत्थरा धरे है क्या करा जाए। यहाँ का जो प्रधान है एक नंबर का भ्रष्टाचारी आदमी होगा, मैं कह रहा हूँ कल का कल उठा के जेल में डालिए। साथियों इस वक्त मैं जौनपुर जिले के अलापुर गाँव के एक बनवासी बस्ती में खड़ा हुआ हूँ। जिस सरकारी जमीन पर इन बनवासी लोगों को सरकारी पट्टा मिला था, अब उस जमीन पर गांव के कुछ दबंगों ने कब्जा जमा लिया है। अब मैं इनसे बातचीत करूंगा कि किस तरीके से ये सरकारी पेपर लेकर गांव दर गांव भटक रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। थोड़ी इनकी बात सुनिएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहते हैं। माता जी का मामला बा के कब्जा करे, थोड़ा तेज बोली। बीडीसी सदस्य विधायक प्रधान सब हमें सबके रहा नहीं देते हैं भैया। 6-76 के जमीन हमार सभे के हड़प लिए मछली पालन में भैया ले लिए। हम सभे कहाँ जाए, हमारे सब का पुरखा पुरनिया सभी मर गए साहेब, हम सभे कहाँ जाए। हाँ कोनो सुनवाई नहीं होता, कोनो सुनाई नहीं होता भैया। गांव देश के कोनो सुनाई नहीं देता लाल, हम सभे यही रोय के मर जाते हैं, खाए बिना मर जाते हैं बेटा। हाँ बुलडेजर मशीन गाड़ी मोटर सब आई है खुदा लेते हैं। 76 में पट्टा मिला रहा था। हाँ जब बन के मिला रहा ससुरे के हमरे सब के। हाँ पेपर हुई पट्टा के हवाई। हाँ हाँ अब जमीन पे का करत हैं? मछली पालत हैं। कहू नहीं तुम्हारे सन के जमीन हो गुर्गा गरियावत हैं। लेडीज पुलिस बुलाए रहे हमें सब मरवावे बिने डांडे नहीं खड़ा हो देते हैं। जमीन अब तू सब खेती बाड़ी करत रहू? हाँ कुल हो चना मटर कुल होत रहा, ऊख गेहूं जौ कुल होत रहा भैया। भगाई दिहन वासी भगाई दिहन भगाई का कहत हन की जमीन न देबे? नहीं कहत हन हमार सबे खवाई। हाँ उनकर सबे हाँ तोहार सबे के नहीं आइबे। इमन के मिल के कुल काम करवाए से भैया? ओ मगन बिन आदव कोटेदार बिंद ए दोनों जने प्रधानों ही साथ दिए हैं। पूरा जमीनिये हड़प लेन हड़प लेन भाई भैया ना रहे देते हैं कहा था ना रहा भाई जिन करा चला जाए तो सब कबीन है ना मार्ग का नाम सब पट्टा हुआ हड़प लेता मारी डंगारी अर्जुन अर्जुन ना वो टंगारी फरसा ले के कब्जा ले लिया हमें सब मारा था खेदा था ना सब कहाँ चला जाए साहब कहाँ चला जाए। हमें सब बिना गेहूँ चावल तेल मसाला हर चीज देते है ये सब ना रहे देते हैं। गाँव देश के सहारा ना देता हूँ सब कहाँ चला जाए गाँव देश के सहारा ना देता। मारो पीठ हो मारो पीठ होता पुलिस बुला देते ना सब बोला ही लागत पुलिस बुला दे हमें सब सबके मर ही गरिया ही साहब हम सब कहाँ जाए छे चीज तक पट्टा हमारे सब सब मछली पावन में ले लेते गए ने सब साहब। लड़का बच्चा कैसे रहती ना लड़का बच्चा कैसे हमारे सब का जी आई खाए ऐसे जान तहन जियत खाते हैं मांगत खाते हैं साहब कहाँ चला जाए हम सब। योगी सरकार में सुनवाई नहीं होत बाटे तुम्हारे? कुछ ना सुनवाई होत भैया का सुनवाई होए। और घामे में देखा था ताले में से दौड़ी आओ थे धान काट के खेत कियारी रहा ले लेत गए भैया। जब ना रहे देते हैं तब कहाँ जात जाए बतावत मतलब ऐसा बाटे की यहाँ रहबे मत करत जा। हाँ रहबे जिन करे तो कहाँ जात जाबो तू अब कहाँ जाए भैया। सरकार कहे वहाँ जा कहाँ जाए बेटवा कहाँ जाए जहाँ हमें सब सरकार हमारा लगे हम कैसे के बुला ले वही जैसे गाँव चावल देते हैं जिये थे खाते है न दे ही एक महीना दो महीना के बेटवा तो मर जाओ हम सब खाब का लाल। हाँ कहाँ जाए बेटवा बतावा सरकार से तो सब गुहार लगावा जातो कि जमीन वापस मिल जाए। मिल जाए साहब सरकार को तो यही हाथ गोड़ जोरत है भैया हमार सब वापस आई जाए जो तब बोए खा पिए नानन के देला है भैया कहाँ जाए ही के करे में कहत रहे भैया हम सब जो तब बोए सरकार आई जब हम सरकार जब दिए बउआ हम सब छोड़ दे के भगाए भगाए मछली पालन के कमाई करते हैं। मछली पालन भैया ले मछली ना जियावत है साहब मछली ना जियावत है कब्जा लेते हैं नमस्ते मार के गरिया कब्जा लेते हैं अपन ज्योति ही वही पट्टा भैया हमें सब कब्जा ना ले देते हैं। ये बताओ तो प्रधान कुछ और आवास वास बनवाए हैं देखा थे कुल टूट फूट गया बाबा
हाँ भाई, जवान बाहे ने प्रधान बनवाए हैं ना, जवान टूट फूट के चुमत बहुत भाई कहे प्रधान। ओ ये प्रधान जो उनको आवास बनवाए हैं, कुल टूट फूट गया आपका? हाँ भैया, सब टूट फूट गया आवास। हाँ ये आवास पूरा का है नहीं बना, थोड़ा इसको दिखाइए। ये आवास नहीं बना, ये प्रधान गलती से नहीं बना। कैसे, का गलती करें प्रधान? गलती ये की मतलब पैसा खाना है प्रधान इसका। इसका तो मैं थोड़ा एक आवास दी, कितना कई महीना पहले ये आवास बना बा? ये मतलब अगले 8-9 महीना हो गया, कंप्लीट नहीं हुई अभी नहीं कुछ। एक आवास यहाँ पे प्रधान जी ने बनवाया, मैं थोड़ा सा उसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, एक तकरीबन 8-9 महीने पहले ही इतना बन के खड़ा हुआ है। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई सब पैसा लगता है, खा गए, कुछ इसका हो नहीं पाया। देखिए ये किस तरीके से बनवा के, ये पत्रा ऊपर एक ठो रख दिया गया है, और इसकी स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या स्थिति थी। आवास पूरा नहीं बन पाए, और जितना आवास बांटे कुलीन की है स्थिति सब सब यही हाल है। जहाँ के प्रधान ने खूब भ्रष्टाचार मचाया होगा, आप देख सकते हैं ये सरकारी आवास बनवाया गया, लिंटर न करवा के आप देख सकते हैं पत्रा रखवा दिया गया। ये चूहा था का? हाँ चूहा थी साहब, पत्रा धरे है, क्या करा जाए, पूरा बन नहीं पाए, बने नहीं भाई, पैसा ही नहीं तो का बनवावा जाए। सरकार पैसा भेजे रही, सरकार भेजे रहे, प्रधान खाए ना साहब, पैसा निकाल के तू ले रहो, तू बनवाओ के ले ले, प्रधान ही लिए रहे साहब, जब पैसा निकाल रहे ले लेते ले लेते रहे प्रधान, कहू ना उनसे के पूरा बनवाए के दे, पूरा नहीं बनवान, जवन बनवान तो भाई पत्रा था, क्या करा जाए। तुहरे तुहरे आवास में प्रधान पैसा खाए की नहीं खाए? हो खाए हैं तब नहीं बना ना, सबके तो बन गया, सबके बन गया, तुहार नहीं बन नहीं बन पाए। प्रधान अब का कहते जब कहा तू बनवा के पूरा? प्रधान कहते अब ना बने, अब ना बने, मतलब जितना पैसा खाए करा खाई लिया, पेट भरी अब ना बने। हाँ तो ये देखिए, ये सरकारी आवास की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ, हालत बहुत खराब है यहाँ पे। यह आवास चुहत हो? हाँ चुहत, ये आवाज चुहत जल्दी में बना बा? हाँ जल्दी में बना, तो चुहत छत का कर का माता जी, यह आवाज चुहत का? भैया हमार घर नहीं बाटे, हम कहाँ जाए, हमार घर द्वार नहीं बाटे, सरकारी आवाज नहीं मिला, नहीं मिला बाटे, का कहें जब सरकारी आवाज कहें तो हम नहीं आए, काहे ना आए, अब पता ना भैया कैसे रहा तू आप? ओए मारा हम तो रहे थे, कहाँ जाए, तो दूठ बेटवा है हमारे, राशन मिला था? हाँ मिला था, जीवन यापन सही से ना हुई पावत? नहीं, मड़ई मड़ई में रह, नहीं आटत, मड़ई में रहिक पड़त है? हां भैया, उसके मड़ई दिखाओ अपन, यही हो भाई हमार घर, का करे बैठो में बैठो वाला का बैठो में पागल, लड़का दिमाग से सही ना आई, वो प्रधान दवाई ना कराए सकत है ने, यही में मड़ैया में रह, हां यही में रह, चूहा थे ना लगाता, ये तो पूरा खत्म हो गया अभी मड़ैया। हां भैया घर नहीं मिला इतने समय में, नहीं प्रधान कहन घर न मिले, ना मिले, नहीं आए, आप ही में सोवत हूँ? हाँ यही में सोए थे। अरे बाप रे, मैं चाहूंगा थोड़ा इस आवास की स्थिति दिखाई जाए। देखिए इनके आंखों से गिर रहे आंसुओं को आप देखिएगा, मेरी तबीयत खराब है, आवाज आज निकल नहीं पा रहा है, इनके आप आंसुओं को देखिएगा कि किस तरीके से आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी इस मड़ई में रहने के लिए मजबूर हैं। अब मैं थोड़ा अगर नीचे बैठ पाऊँ तो थोड़ा आपको स्थिति दिखाऊँ, देखिए कैसे सोती होंगी ये इसमें, ये तो स्थिति बहुत, और देखिए किसी के आंसू झूठे नहीं हो सकते, ये आप इनकी हालत देखिए कि हालत इनकी बड़ी खराब है, हालत इनकी इस पूरी बस्ती की दुर्दशा बहुत खराब है। आप देख जितने भी सरकारी आवास बने हैं सब टूटे फूटे हैं, सब पानी चू रहा है, प्रधान ने यहाँ पे खूब सारा भ्रष्टाचार मचाया, भ्रष्टाचार भवा जितना भैया नाम ना लगा बांट रहे, पानी कहाँ पिए जाते हैं ना, बिगड़ गया बांट रहे, पानी योग व्यवस्था नहीं। तो साथियों आप देख सकते हैं ये जौनपुर जिले का अलापुर गांव है, जहाँ की मैं आपको स्थिति दिखा रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं ये एक मड़ई है, और भी तमाम सरकारी आवास बने हुए हैं जिसके बारे में हमने तफ्तीश करी तो पता चला कि ये सरकारी आवास चू रहे हैं, इन सरकारी आवासों से बारिश के वक्त पानी टपक रहा है, इन सरकारी आवासों की स्थिति आप देख सकते हैं, कोई आधा अधूरा बना है, कोई पूरा बना है तो ठीक से बना नहीं है, किसी में दरवाजा नहीं लगा है, किसी में खिड़की नहीं लगा है, किसी का छत टपक रहा है, तो किसी में लोग रह ही नहीं रहे हैं, तो आप ये सारी स्थितियां आप देख सकते हैं। ये देखिए ये दर्रा, आप
दर्रा फेंक दिया है। अभी सरकारी आवास की स्थिति में आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ये नया नवेला आवास बना है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा होगा और इसका ये देखिए दीवार फट रहा है। मैं अब इसको मैं बस छू रहा हूँ। आप देखिए ये निकला हुआ है यहाँ से, आप देख सकते हैं। इसको मैं निकालूँ तो क्या पता मेरे ऊपर ही FIR करवा दे भाई, आजकल ऐसा तानाशाही लोग आ गए हैं। लेकिन आप देखिए ये देखिए इसकी क्या स्थिति है, थोड़ा सा ये यहाँ पर आप देखिए ये आप देख रहे हैं ये किसके सहारे यहाँ पे रुका, ये कभी भी गिर सकता है, ये दीवार कभी भी फट सकती है। और भी मैं आपको स्थिति दिखाऊं कि प्रधान ने कितना भ्रष्टाचार मचाया हुआ। ये देखिए दीवार फट गया, ये सरकारी आवास का आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा आप थोड़ा आगे लेके आइए, कैमरे को एकदम करीब लेके आइए और ये दिखाइए, ये सरकारी आवास की स्थिति देखिए। बाप रे, ये दीवार फट गया है, दीवार गिर जाए, भरा जाए दीवार तो आदमी इसमें मर जाएगा। यहाँ का जो प्रधान है एक नंबर का भ्रष्टाचारी आदमी होगा, मैं कह रहा हूँ कल का कल उठा के जेल में डालिए। ये दीवार कैसे फट जा रहा है, ये जौनपुर जिले का आलापुर गांव है, सरकारी आवास बना हुआ है, धुरैया बालू और सीमेंट और ये थर्ड क्लास का ईटा लगवा के प्रधान ने सरकारी आवास खड़ा कर दिया है और ये सरकारी आवास की दीवारें फट रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी हमने तमाम आपको कहानियां दिखाई जहां पे दीवार गिर जा रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं और कोई सुध लेने नहीं आ रहा है और इस तरीके की सरकारी आवास बनाया गया। देखिए ये भी चरचरा रहा है, पूरा चरचरा के फट रहा है। कोई यहां पे सरकारी जमीन पर कब्जा जमाया है, प्रधान जी दीवार फाड़ दे रहे हैं। अब ये स्थिति है किसी और जो सबसे गरीब है उसको मिलने, ये देखिए वाह रे सरकारी आवास।